आपने काफी स्टंट मास्टर्स के साथ काम किया, खुद भी स्टंट्स किए होंगे, करने पड़े कहीं ना कहीं, कई जगह थप्पड़ मारे हैं, कई जगह थप्पड़ खाए हैं, तो आप ये बताइए कि एक इसमें जो फिल्म में एक विलन या हीरो के लिए एक्शन कितना जरूरी, हिंदी फिल्म जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि मेरी राय है जो भी न्यू कमर आता है वो डांसिंग के अंदर क्लासेस ले बिफोर ही बिकम्स एन एक्टर. उसी तरीके से जितना डांस इम्पोर्टेंट है फिल्म के अंदर उतना ही इम्पोर्टेंट एक्शन है आज के डेट में. अब देखिए एक फिल्म आया अभी फूल और कांटे, ठीक है जी, उसमें एक नॉर्मल लुकिंग अजय देवगन साहब हीरो है, पर उनका एक्शन इतना अच्छा था और सब खुद ने किया उन्होंने कि थिएटर के अंदर जब वो शॉट्स दे रहे हैं पीपल स्टैंड अप एंड गिव क्लैप्स एंड दैट फिल्म इज अ वेरी बिग सक्सेस ओनली बिकॉज दैट बॉय डिड ऑल द एक्शन. पूरा एक्शन उस लड़के ने खुद किया एंड ही वाज ट्रेन्ड बिफोर ही बिकम एन एक्टर. पूरी ट्रेनिंग दी गई, हालांकि उनके खुद के फादर मिस्टर वीरू देवगन जी फाइट कंपोजर हैं, लेकिन जिस तरह उसने ट्रेनिंग ली है अगर इसी तरह से हमारे जितने नए एक्टर्स आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर वो भी ट्रेनिंग लेंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सक्सेस फॉर देम. दिल बिग शो शॉट मेक इट एज अ बिग स्टार. एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ ये है कि कई बार एक्शन में लग जाता है, चोटें लग जाती हैं, जैसे शुरू शुरू में हम भी आए, मैं एक फिल्म कर रहा था किस्मत, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा फाइट सीन था मिस्टर गौतम सरीन के साथ और गलती से उनका मैंने चश्मा पहना हुआ था, एक ब्लो जो उनको उस शॉट में नहीं मारना था लेकिन बिकॉज ऑफ द सीन वो भाग गए एंड ही हिट मी. और मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लो आने वाला है. जब मुझे लगा वो कांच टूट के मेरी आँख के अंदर गया और मुझे गौर कीजिए यहाँ पे 18 स्टिचेस लगे. उसके बाद एक फिल्म कर रहा था, मुझे ऊपर से जंप मारनी थी, जंप मारी काफ़ी हाइट से, जो इससे पहले जंप मार चुका था वो नीचे ही था तो मेरा ये लग गया उनको एंड आई टू हैव 4 स्टिचेस हियर. एनीवे ये होता अक्सर नहीं, इट डजंट हैपन एवरी टाइम बट देन इट्स पार्ट ऑफ द गेम यू नो. अगर आपको ये प्रोफेशन में रहना है और काम करना है छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है और ज़्यादा उनको लगती है जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, वो नॉट ट्रेन. इफ दे ट्रेंड मतलब लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज दे नो द टाइमिंग्स. जैसे जिंदगी खुद एक टाइम है उसी तरह से फाइटिंग इज ऑल्सो अ टाइम, सॉन्ग इज ऑल्सो अ टाइम, एवरीथिंग इज टाइमिंग. आपकी टाइमिंग खराब है लाइफ में आप बर्बाद है, टाइमिंग ठीक है आप आबाद है. वाह वाह क्या बात की. अच्छा शक्ति बताएं कि जब एक हीरो या एक विलेन को भी ऐसे चोटें लग जाती हैं तो वो जो स्टंट में जो आप लोगों के डुप्लीकेट करते हैं तो वो जो इतने खतरनाक काम करते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ ये जो डुप्लीकेट्स होते हैं मैं तो उनकी हालत देखता हूँ, इतनी हाइट से शॉट्स देते हैं, इतनी रिस्की शॉट्स देते हैं, घोड़ा गिरने का शॉट देते हैं, गाड़ी को आग लगने का देते हैं, गाड़ी का जंप देते हैं, मोटरसाइकिल जंप देते हैं. जब मैं देखता हूँ तो मैं रात को घर जाके मंदिर में बैठ के बोलता हूँ हे भगवान शुक्र है तूने मुझे डुप्लीकेट नहीं बनाया, मुझे फाइटर नहीं बनाया. क्योंकि उनकी लाइफ ठीक है आज की डेट में एहतियात हो गए हैं लोग, रिस्क कम लेते हैं एंड ट्रेनिंग पूरी होती है उनकी, लेकिन फिर भी रिस्क तो होता है. एंड आई सल्यूट टू दीज फाइटर्स एंड डुप्लीकेट्स जो इतना रिस्क लेके काम करते हैं. हालांकि अब्रॉड हॉलीवुड के अंदर दिस फाइटर्स आर इंश्योर्ड टू अ ट्यून ऑफ लॉट ऑफ लाख ऑफ रुपीज एंड छोटी सी भी चोट अगर लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी देखभाल करती है, जो अभी मेरा ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में भी होने वाला है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी फाइटर्स हों वो 100% इंश्योर्ड हों ताकि अगर उनको लगता है तो बेचारे महीनों तक काम पर नहीं आ सकते हैं, दे आर इंजर्ड देन द हॉस्पिटल देर एट होम बिना काम के. तो मेरी दरख्वास्त है और हमारे इंडस्ट्री में लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं कि डुप्लीकेट से काम बहुत रिस्की होता है, इसलिए उनकी पेमेंट भी अच्छी की जाए और अगर इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो तो उनकी पूरी देखभाल की जाए. बट अगेन हैट्स ऑफ टू द डुप्लीकेट्स एंड द फाइटर्स. अच्छा शक्ति इस हिसाब से जैसे आपने अजय की तारीफ की कि भाई अजय ने खुद की, क्या आप ये कहेंगे कि हर हीरो को या विलन को अपने स्टंट खुद करने चाहिए? देखिए स्टंट खुद करने की बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो स्टंट कैमरे को चाहिए, जो डायरेक्टर को चाहिए, ये नहीं कि अभी जो शॉट में आप नजर भी नहीं आ रहे हैं आपको कांच तोड़ने का है, आप बोलोगे नहीं साहब मुझे कांच तोड़ के खुद शॉट देना है और जब पर्दे पे देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है कि आप है कि डुप्लीकेट है. मतलब उतने रिस्की शॉट्स तो आपको लेने की जरूरत नहीं है. आफ्टर ऑल यू आर अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, आपको चोट लगती है तो आपकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है क्योंकि आप शूटिंग पर नहीं जा रहे हैं और कितने सेट खड़े रह सकते हैं. पर बेसिक आना बहुत ज़रूरी है,
बेसिक का मतलब ये है कि उसको इतना समझ आना चाहिए कि इस पंच का क्या रिएक्शन होना चाहिए, मुझे समर सॉल्ट मारनी है कि नहीं मारनी है, और कैसे गिरना है, कैसे उठना है, जो बेसिक एथिकली होता है उतना तो मेरे ख्याल से हर एक्टर को आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 15 माला की बिल्डिंग से बोलूँगा कि मैं कूदूंगा, ऐसा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द फाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी डुप्लीकेट्स के लिए, स्टंट मास्टर्स के लिए प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, पर जो जो ऐसे खतरा मोल लेते हुए मर गए उसी वक्त, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए ऐसे हादसे हुए हैं, अभी हमारे एक बहुत अजीज मिस्टर हाजी थे, वो एक शॉट दे रहे थे, जीप के अंदर उनको बांध दिया गया था और जीप को पानी में जाना है, डूबना है जीप को, उन्होंने वो शॉट दिया, उनको बांध दिया गया अंदर जाके, उनको बेल्ट खोलनी थी, वो बेल्ट नहीं खोल सके, पानी में जीप गई और अंदर जाके वो बेल्ट से लड़ते रहे, फाइनली वो जीप का सा डूब गया। ऐसे हादसे होते रहते हैं जो बहुत अफसोसदायक है। मेरे ख्याल से इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, वी शुड लुक आफ्टर द एंटायर फैमिली। हादसा हो गया हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको भूल जाएं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कर रही है काफ़ी हद तक, उसकी पूरी फैमिली की देखभाल की उन्होंने, हमारी फिल्म एसोसिएशंस हैं उन्होंने, पर मेरे ख्याल से और ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनकी फैमिली, बिकॉज दिस मैन गिव्स हिज लाइफ फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, तो हमें उनकी फैमिली का पूरा ही देखभाल करना चाहिए। एंड मेरी दरख्वास्त है सबसे, अगर ऐसे हादसे हों तो वी मस्ट कम हेल्प एंड हेल्प एवरीवन, स्पेशली दीस पीपल, उनकी फैमिलीज को। ये शक्ति आप जैसे कह रहे हैं कि इनके स्टंट मास्टर्स या डुप्लीकेटर, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, आप अक्सर शोज वगैरह करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, जी हाँ, तो इनका चैरिटी शो आप उसके लिए? अरे मेरी जान हाजिर है इनके लिए, एक दो मेरे पास आए थे ये लोग, तो मैंने बोला आपका जिधर भी शो होगा, मैं संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती, हमको तो आधी रात को ये लोग बुलाएंगे कि इनका कुछ बेनिफिट होता है, फायदा होता है, आई एम द फर्स्ट वन टू गो एंड हेल्प दिस पीपल, मतलब शोज करेंगे, एक नहीं, दस नहीं, बीस, जितने बोलेंगे करेंगे, पर पैसा इन्हीं के पास जाना चाहिए, इट शुडंट गो इन द रॉन्ग हैंड्स। हमारी करने का मतलब सिर्फ ये है कि फाइटर एसोसिएशन में पैसा जाए ताकि इनके बच्चे पढ़े लिखे, इनकी फैमिली का आई मीन दे शुड बी ब्रॉट अप इन अ वेरी गुड मैनर आफ्टर दीज पीपल आर नॉट देयर। जब भी बुलाएंगे मेरी जान तन मन धन इनके लिए हाजिर है। आई लव देम ऑल, थैंक यू, वंडरफुल।